हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। गर्मियों के मौसम में हर चीज़ जो है वो हमें ठंडी अच्छी लगती है, तो मन करता है कि कुछ भी चीज़ हो तो वो ठंडे खाए जाए। तो चावलों के साथ क्या होता है कि हम हमेशा गर्म ही खाते हैं, लेकिन कर्ड राइस, जिन्हें तड़के वाले दही के चावल भी कहा जाता है, एक ऐसी रेसिपी है जिसको सर्व किया जाता है ठंडा। जी हाँ, इसे ठंडा ही खाया जाता है, ये ठंडे ही बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ जब कभी कुछ झटपट से बनाने का मन हो कि आज को जल्दी से बना लिया जाए, जिसमें कम मेहनत हो, बहुत जल्दी से तैयार हो जाए, तो उस टाइम के लिए कर्ड राइस जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फटाफट से बना के तैयार हो जाते हैं, हम इन्हें कर लेते हैं और कुछ ज़्यादा सामान की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं, फटाफट वाली रेसिपी है, फटाफट से बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लेने हैं चावल। अब कर्ड राइस के लिए हमें कौन से चावल लेने हैं ये जरूरी बात है। तो देखिए, कर्ड राइस के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ बासमती चावल। आप इन्हें खिचड़ी वाले चावल से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें बासमती चावल से ही बनाया जाए या खिचड़ी वाले चावल से ही बनाया जाइए। जो भी चावल आपके पास अवेलेबल हो, आप उन्हीं चावलों से ये कर्ड राइस बना सकते हैं। बस क्या करना है कि चावल जो है वो ज्यादा सॉफ्ट पकाने हैं। जैसे नॉर्मली हम चावलों को खिला खिला बनाते हैं, लेकिन कर्ड राइस के लिए हमें खिले खिले हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, मेन चावलों का सॉफ्ट होना ज्यादा मैटर करता है। चावल कम खिले हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सॉफ्ट अच्छे खासे होने चाहिए। तो मैं यहाँ ले रही हूँ बासमती चावल। खिचड़ी वाले चावल अगर आप ले रहे हैं तो इनको डायरेक्ट हम कुक कर सकते हैं, लेकिन बासमती चावल है तो इसलिए मैं इन्हें 30 मिनट्स के लिए डिप कर देती हूँ पानी में। 15 मिनट से 30 मिनट इनको भिगोना जरूरी होता है सॉफ्ट करने के लिए, और चावल भी हमें इसमें सॉफ्ट चाहिए। तो सबसे पहले हमने चावलों को 2 से 3 बार अच्छे से रगड़ के वॉश कर लिया है, ताकि जो इसका स्टार्च है वो निकल जाए। तो 2 से 3 बार हमने इसका पानी ड्रेन कर दिया है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए मैं पानी में भिगो के रख दूंगी। मैक्सिमम आप 30 मिनट इसे भिगो सकते हैं। तो 20 मिनट के करीब हो गए हैं, चावल अच्छे से डिप हो गए हैं, तो अब हम इन्हें कुक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आज मैं इन्हें बना रही हूँ पतीली में। आप चाहे तो इन्हें प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, तो मैं दोनों का तरीका आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। तो पतीले में बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी ले रही हूँ। जितना हम चावल ले रहे हैं उसका 2.5 गुना हमें पानी डालना है। तो मैं यहाँ पे 1 गिलास चावल ले रही हूँ। अब जैसे मैं यहाँ 1 गिलास चावल ले रही हूँ तो इसका 2.5 गुना पानी डालना है मैंने, यानी कि 2.5 गिलास मुझे इसमें पानी डालना है। क्योंकि नॉर्मली जब हम चावल बनाते हैं तो खिले खिले बनाने के लिए हम चावलों का जस्ट 2 गुना पानी डालते हैं, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे चावल सॉफ्ट बनाने हैं तो इसलिए हम 2.5 गुना पानी डाल रहे हैं, थोड़ा ज्यादा करके डाल रहे हैं। तो पतीली में मैंने चावल और पानी डाल दिया है, 1 गिलास चावल के साथ 2.5 गिलास पानी डाला है। अब हाई फ्लेम पे हम चावलों में 1 उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में 1 उबाल आ जाएगा, हम गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे, बिल्कुल ढक करके रख देंगे। ऊपर मैं इसके ये ओखली रख रही हूँ ताकि जो स्टीम अच्छे से अंदर बन जाए, और 15 से 20 मिनट मैं इसे पका लूंगी। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में भी आपको सेम क्वांटिटी में चावल और पानी का रेशियो रखना है, यानी 1 गिलास चावलों के साथ 2.5 गिलास पानी डालना है, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर 2 विसल आने तक हमें चावलों को कुक कर लेना है, और प्रेशर रिलीज होने पर हमें ढक्कन खोल के चेक करना है। और पतीली में जब हम बना रहे हैं तो 15 मिनट बाद चेक करेंगे कि चावलों में अगर छेक छेक से हो गए और हल्के हल्के पानी के बबल्स आ रहे हैं और पानी ड्राई हो गया, सिर्फ बबल से आ रहे हैं, तो हम गैस को बंद कर देंगे और बिल्कुल ढक करके पका लेंगे। तो ये पहचान होती है पतीली में, क्योंकि मैं ज्यादा पतीली में ही बनाती हूँ तो मुझे प्रैक्टिस है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहें या पतीली में बनाना चाहें, आप किसी में भी बना सकते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ चावल चाहिए कर्ड राइस के लिए जो कुक हुए हुए हो। यहाँ पे आप कर्ड राइस बनाने के लिए लेफ्ट ओवर राइस का भी यूज कर सकते हैं, जो आपके बचे हुए चावल होते हैं रात के, आप उन्हें भी कर्ड राइस के लिए यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं उनसे कर्ड राइस। तो देखिए 20 मिनट के करीब होने वाले हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए पतीली और कुकर अगर हम किसी में बनाएंगे तो इस तरीके से हमारे चावल सॉफ्ट होने चाहिए। चावल हमारे बन करके रेडी हो गए और सॉफ्ट पके हैं, एकदम खिले खिले भी हैं और सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे हमें जितनी क्वांटिटी में कर्ड राइस बनाने हैं, हम थोड़े से चावल जितने भी हमने बनाने हैं उतने लेंगे, और बाकी चावल आप बाद में यूज कर सकते हैं। एक बार में जितने चावल आपको बनाने हो कर्ड राइस के लिए उतने हम ले सकते हैं। तो एक बाउल में मैंने निकाल लिए हैं, ये 1 कटोरी चावल है, मैं इनको लगाएंगे हम तड़का। लेकिन उससे पहले अब हमें प्रिपेयर करनी है दही। तो कर्ड राइस के लिए जो दही हमें लेनी है वो फ्रेश हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर खट्टी दही लेंगे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा इसमें। इसके लिए फ्रेश दही ही लीजिए, और दही को अच्छे से हमें फेंट लेना है, और साथ में डाल देंगे हम नमक, क्योंकि मैंने बनते टाइम चावलों में नमक नहीं डाला है। तो फेंट के देखिए इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी और स्मूथ हो जाता है, बहुत अच्छी सी एक ये बन जाती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अब चावलों को दही के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में।
अब यहाँ पे अगर आपकी दही थोड़ी सी खट्टी है तो आप उसमें चीनी मिला सकते हैं हल्की सी उसका, ताकि खट्टापन बैलेंस हो जाए चीनी से। लेकिन कोशिश कीजिए कि फ्रेश ही दही लीजिए क्योंकि वह नेचुरली मीठी होती है। अब एक कटोरी से थोड़ी सी कम मैं यहाँ दही ले रही हूँ और साथ में मिला रही हूँ मैं आधा टेबल स्पून नमक। अगर बनते हुए हम चावलों में नमक डालते तो वो थोड़े नमकीन बनते हैं, नहीं तो हम इस तरीके से भी नमक डाल सकते हैं। चावल और दही को अच्छे से मिक्स करके हमने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया है। लेते हैं फटाफट से इसका तड़का। तो तड़के के लिए मैं ले रही हूँ देसी घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और देसी घी में डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून राई, आप सरसों भी ले सकते हैं इसकी जगह, आप जो पीली सरसों होती है इसे तड़का लेंगे। आधा टीस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ चना दाल और आधा टीस्पून उड़द दाल डाल रही हूँ, और डाल करके हम अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेंगे ताकि दाने जो है इसमें कच्चापन ना रहे, और पकाने में इनको थोड़ा सा समय लग जाता है, आधा मिनट के करीब लग जाता है। तो दालें अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। 1/4 टीस्पून जीरा डाल रहे हैं, 1/4 टीस्पून अदरक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, अदरक डाल के पका लेंगे। आप चाहें तो अदरक को स्किप कर सकते हैं। 6 से 7 करी पत्ते मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, इन्हें भी हम पका लेंगे कुछ सेकंड्स। हींग डाल रहे हैं 1 पिंच, साथ में 2 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली है ये, इसको भी मैं डाल के अच्छे से पका लूंगी जब मूंगफली तड़कने लग जाए। तो अब हम डालेंगे यहाँ, इसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि कर्ड राइस में ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता है, और ज़्यादा बारीक हरी मिर्च काटेंगे तो तीखापन ज़्यादा देगी, इसे मैंने मोटी करके डाली है हरी मिर्च ताकि कर्ड राइस जो है कम तीखे बने। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, आप इसकी जगह साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ये होम मेड चिली फ्लेक्स है, 1/4 टीस्पून के करीब डाली है, और इसको भी कुछ सेकंड पका लेंगे। नमक हमने दही में डाला ही था पहले ही। अब इतने हमारा तड़का भी तैयार हो गया है। अब सबसे पहले देखिए हमारे चावल भी ठंडे हो गए हैं, और इसके ऊपर डालेंगे तड़का और अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावलों के साथ इस तड़के को, और गार्निश कर देंगे हरे धनिए से। थोड़ी देर के लिए इनको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए क्योंकि इनको चिल्ड ही सर्व किया जाता है। तो देखिए हमारे दही वाले तड़के के चावल कर्ड राइस बन करके एकदम तैयार हैं, और फटाफट से बन करके गर्मियों में ठंडक जो दे ऐसी हमने रेसिपी बना करके तैयार कर दी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी और मजेदार लगती है रेसिपी। कर्ड राइस को आप चटनी के साथ सर्व कीजिए, अचार के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही लाजवाब इनका टेस्ट होता है, बहुत बढ़िया लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे।